हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप? पहले एक बार फिर से स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी रिजल्ट गुरु दोस्तों, मैं अदिति रस्तोगी आज लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी, पोइट्स एंड पैनकेक। अच्छी स्टोरी है, थोड़ा सा अपने नाम के अगर आप देखेंगे पोइट्स एंड पैनकेक्स का मतलब क्या है, पोइट्स कुछ पोइट्स हो गए, कवि वगैरह हो गए, पैनकेक्स, पैनकेक्स तो हमने बेसिकली सुने हैं कि जो केक हम खाते हैं, पैन बना केक होता है, हम यूज़ करते हैं यहाँ पर पैनकेक। और ये स्टोरी किसके बारे में आज हम ये डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हम समझेंगे कि इस पूरी स्टोरी में क्या है, पैनकेक का मतलब यहाँ पर क्या है, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और आज हम इस स्टोरी को डिस्कस करेंगे जो कि बिल्कुल नई स्टोरी है आप लोगों के लिए और ये KVS में आने वाली है। दोस्तों हम इस स्टोरी को दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, टू पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट नंबर 1 और कल को हम पढ़ेंगे इसका पार्ट नंबर 2। आज हम पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं, है ना, और पार्ट 2 को हम कल डिस्कस करेंगे और साथ साथ कल हम कुछ MCQs को भी डिस्कस करेंगे। चलिए जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और आ जाइए और जुड़ जाइए मेरे साथ एक इस स्टोरी के साथ। यस, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चाहिए ताकि हम इस स्टोरी को स्टार्ट कर सकें। एक और बात, स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड, अगर आपने अभी तक रिजल्ट गुरु की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो भैया जाओ और जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड कर दो, क्योंकि यहाँ पर आप खजाना खजाना बोले तो यहाँ पर आपको रिजल्ट गुरु की लाइव क्लासेस मिलेंगी सारी, आप अपने क्रेडेंशियल्स फिल करेंगे, आपको कोर्सेज, लाइव टेस्ट, स्टोर, ई बुक्स, डेली क्विज, फ्री कोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ वाले गैजेट्स, डेली गैजेट्स और उसके बाद सारे जो मॉक टेस्ट हैं वो आपको मिलने वाले हैं। 300 से ज़्यादा MCQs आपको पर, क्योंकि आपको हेल्प आउट करेंगे आपके एग्जाम्स में, आपको गैजेट्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स मिलेंगे एंड मैनी। तो जल्दी से इसको डाउनलोड कर लीजिए फिर देरी किस बात। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को, तो लेट्स बी ऑल ईयर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक डायरेक्टर की इमेज। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लिखा गया ये किसके द्वारा लिखा गया, अशोका मित्रन द्वारा लिखा गया। अशोका मित्रन खुद एक ऐसे स्टूडियो में काम करते थे और उन्होंने ही अपनी स्टूडियो की कहानी लिखी है जहाँ वो काम करते थे, क्या काम था, कौन कौन लोग थे, वो सारी चीज़ें इन्होंने उसमें शेयर करी। तो ये हैं हमारे राइटर ऑथर अशोका मित्रन। अब इनके बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कौन है, कौन थे। अशोका मित्रन 1930 अब इनका बर्थ हुआ था। अ तमिल राइटर रिकाउंट्स हिज इयर्स एट जर्मनी बुक माय इयर्स विद बॉस व्हिच टॉक्स ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ। तो मूवीज जितनी भी बनती है इंडिया में तो स्टूडियो से रिलेटेड ये एक स्टोरी है, पर ये उस स्टोरी को सुनाते हैं जो जर्मनी स्टूडियो एक हुआ करता था मद्रास चेन्नई में, उसकी ये स्टोरी है। और ये कहाँ पर था, चेन्नई में, और ये सेटअप कब किया गया था, 1940 में। It was one of the most influential film producing in early days of Indian film making. जब पहले मतलब जब पूरी ब्लैक एंड वाइट मूवीज आती थी, जब इंडियन फिल्म मेकिंग तो उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा जो एक बेस्ट आप कह सकते हैं जिसमें फिल्म प्रोड्यूस होती थी, उस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन स्टूडियो था। इट्स फाउंडर वॉज SS वासन और उस जर्मनी स्टूडियो के जो फाउंडर थे वो कौन थे, SS वासन। तो फॉलोइंग इन इज एक्सेप्ट, और जो ये स्टोरी लिखी गई है ये एक एक्सेप्ट मतलब एक तरह से उसका एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है, माय इयर्स विद बॉस, तो माय इयर्स विद बॉस का ये एक हिस्सा है छोटा। अब देख लेते हैं कि स्टोरी में होता क्या है। स्टोरी स्टार्ट होती है इनके बताने से, जो अशोका मित्रन जी हैं वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम। अब ये यहाँ पर बताते हैं कि जो पैनकेक जिसका वो जिक्र कर रहे हैं वो एक ब्रांड का नेम है, और किस चीज़ की ब्रांड है वो, ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जर्मनी स्टूडियोज बॉट इन ट्रक लोड। जर्मनी स्टूडियो में एक मेकअप की ब्रांड आती थी, क्योंकि वहाँ पर आर्टिस्ट भी होते थे और उनका मेकअप वगैरह भी किया जाता था, तो वो जो मेकअप की एक ब्रांड होती है ना, तो आप जैसे यहाँ पर इमेज में देख भी पा रहे हैं एक तरह से फेस पाउडर टाइप का ये एक इमेज, तो उसका एक ब्रांड हुआ करता था पैनकेक। बहुत ही पुरानी बात है, और ये ट्रक्स में भर कर आता था, मतलब ट्रक में लोड्स में भर कर आता था, तो बहुत सारे बॉक्सेस आते थे जो हर आर्टिस्ट के लिए यूज। पैनकेक उस वक्त की एक ब्रांड का नेम था। ग्रेटा गाबो वन मस्ट हैव यूज। अब ग्रेटा गाबो जो एक बहुत ही पुरानी एक्ट्रेस हैं, ये स्वीडिश एक्ट्रेस हैं,
उन्होंने इसको यूज किया होगा, मतलब पैनकेक उस जमाने का है जब ये वाली एक्टर हुआ करती थी, जब ये वाली एक्टर एक्ट किया करती थी, ये वाली एक्ट्रेस थी, और उन्होंने इसको यूज किया गया होगा, मतलब जिस वक्त वो एक्टिंग करती थी किया जाता था। उसके बाद गोहर मस्ट हैव यूज्ड इट, जो मिस गोहर हैं, तो ये मिस गोहर आप देख पा रहे हैं, ये स्वीडिश एक्टर हैं जो इनको आप देख पा रहे हैं, तो इन्होंने भी इसको ज़रूर यूज़ किया होगा। उसके बाद एक आपके ग्रेटा, जो ग्रेटा गार्बो हैं, सॉरी ये आपकी ग्रेटा गार्बो हैं और ये आपकी गोहर हैं, उन्होंने इसको ज़रूर यूज़ किया होगा मिस गोहर। और उसके अलावा इसको यूज़ किया गया होगा, हैव यूज्ड इट विजयंती माला, मस्ट हैव यूज्ड, ये वैजंती माला ने भी किया होगा। तो बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस थी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस, दैट इज वैजंती माला, तो इन्होंने वैजंती माला ने भी इसको यूज किया होगा। लेकिन वो ये भी बता रही हैं आल्सो यूज बट रति अग्निहोत्री, लेकिन वो क्या बता रहे हैं कि जो रति अग्निहोत्री है, मे नॉट हैव एवर इवन हर्ड ऑफ इट, कि जिस टाइम पर वैजंती माला थी, जिस टाइम पर ग्रेटा थी, गोहर थी, तब ये वाली पैनकेक की ब्रांड थी, ब्रांड वो हुआ करती थी। लेकिन अगर आप बात करें रति अग्निहोत्री, जब रति अग्निहोत्री बॉलीवुड में आई, जिस उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा, तब उन्होंने इसका नाम नहीं सुना था, क्योंकि जब तक वो आई, जब तक ये पैनकेक का जो ब्रांड है वो शायद या तो बंद हो चुका था, या तो यूज नहीं किया जाता था, या फिर कोई और प्रोडक्ट है जिसने उसको रिप्लेस कर दिया होगा। तो रति अग्निहोत्री जी ये हैं, वैजयंती माला ये हैं, तो रति अग्निहोत्री को अक्सर आपने होगा अभी भी, क्योंकि इनका जो अभी भी ये काफ़ी सारी मूवीज, तो रति अग्निहोत्री ने इसका शायद नाम भी नहीं सुना होगा। अब द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज वॉज इन द अपस्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग दैट वॉज बिलीव टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल। हम कहते हैं कि जो जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है, या अस्तबल बोला जाता है, तो हॉर्सेज हाउस आप कह सकते हैं, हॉर्सेज हाउस, तो रॉबर्ट क्लाइव का एक बिल्डिंग हुआ करती थी, उनका जो घर, उनका जो स्टेबल हुआ करता था, तब जहाँ पर वो अपने घोड़ों को रखते थे, ये उसी की सेकंड बिल्डिंग पर बना हुआ है, जिसका नाम है जेमिनी स्टूडियो। अप स्टेयर्स एट बिल्डिंग, अ डजन ऑफ अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर सेट टू बी सेट टू हैव बीन इंस्पायर्ड। अब क्योंकि ये तो बेसिकली पहले बंगाल में थे, वहाँ के वाइस, वहाँ से जब ये मद्रास में आ गए थे, तो उन्होंने काफ़ी सारी प्रॉपर्टी खरीदी, तो यहाँ पर अ डजन का मतलब है कि कम से कम 12 डजन, हम किसके लिए करते हैं, दर्जन के लिए, 12 चीज़ों के लिए, तो कोई भी कम से कम 12 डजन ऑफ बिल्डिंग्स, मतलब बहुत सारी बिल्डिंग्स थी जो रॉबर्ट क्लाइव ने मद्रास में खरीदी थी, मतलब वहाँ पर वो रहते थे, और उन सिटीज़ में उन्होंने अपनी बहुत सी प्रॉपर्टी खरीदी, तो ये वहाँ पर और भी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी जिनके अस्तबल में इसको बनाया गया था, वो भी अपस्टेयर्स, मतलब फॉर हिज ब्रीफ लाइफ, ब्रीफ लाइफ मतलब शॉर्ट लाइफ, जो रॉबर्ट क्लाइव है, क्लाइव है, उनकी शॉर्ट लाइफ रही, मतलब लाइफ जर्नी बहुत छोटी सी रही, एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, और उसमें भी उनका जो मद्रास में जो टाइम था, उन्होंने और भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम स्पेंड किया, मतलब आप कह सकते हैं कि छोटा, मतलब बहुत कम टाइम के लिए वो मद्रास में रहे, तब भी रॉबर्ट क्लाइव सीम्स हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन फोर कॉर्नर्स ऑफ, उन्होंने बहुत ज़्यादा इधर उधर वो घूमते रहे, कभी इधर शिफ्ट, कभी उधर शिफ्ट, और तो और उन्होंने बहुत सारे बैटल इसमें लड़े, जो कि इम्पॉसिबल बैटल्स, मतलब तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बैटल थे, फाइट किए, और उसके बाद और बहुत सारे, मतलब रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, मतलब ऐसे ऐसे हिस्सों में जो कि बहुत ज़्यादा पिछड़े एरियाज हैं, या फिर शायद जहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाया, तो ऐसे ऐसे हिस्सों में भी उन्होंने लड़ाई करी, और वहाँ पर भी उस पर कब्जा किया। एंड मैरिंग अ मेडन इन सेंट मेरीज चर्च, और मेडन मतलब एक छोटी, बहुत ही कम एज की एक यंग लड़की, है यंग लड़की, मतलब वैसे जैसे देखिए आप बॉयज़ के लिए हम बैचलर यूज़ करते हैं, ऐसे हम मेडन यूज़ करते हैं, तो एक मेडन से मतलब कम एज की एक लड़की से उन्होंने शादी कर ली, और वो कहाँ पर करी उन्होंने, सेंट मेरीज चर्च इन फॉर्स्ट सेंट जॉर्ज इन, एक चर्च था मद्रास में जिसने अपनी शादी कर ली उसके। द मेकअप रूम हैड अ लुक ऑफ हेयर कटिंग, तो मेकअप रूम था उसका बिल्कुल ऐसा लुक था जैसे कि कोई हेयर कटिंग सलून हो, जिसमें लाइट्स हो एट ऑल एंगल्स अराउंड अ हाफ डजन लार्ज मिरर्स। आपने देखा होगा कि कम से कम एक इतना बड़ा एक मिरर होता है, उसके चारों तरफ लाइट ही लाइट होती है। आपने अक्सर जो पार्लर आप जाते हैं तो आपने देखा होगा कि एक, हेलो पीहू जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप, हेलो अर्जुन जी गुड इवनिंग, हेलो पीहू जी गुड इवनिंग, आवाज़ कट रही है आपकी, अब आवाज़ क्लियर आ रही है पीहू जी, प्लीज़ एक बार मुझे क्लियर कर दीजिए, एम आई ऑडिबल नाउ, हेलो प्रमिला जी कैसे हैं आप, जल्दी से मुझे बताओ पीहू जी, अर्जुन जी और प्रमिला जी, क्या मेरी आवाज़ अब क्लियर आ रही है,
बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ, क्या मेरी आवाज अब क्लियर आ रही है आपको? तो यहाँ पर हम पढ़ना शुरू करेंगे. हाँ, तो यहाँ पर हम स्टोरी पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अब क्या होता है कि यहाँ पर जो देखा होगा आपने अक्सर मेकअप रूम में, जैसे प्रमिला जी, पीहू जी जाते हैं ना कभी कभी पार्लर, तो पार्लर में आपने देखा होगा कि यस, थैंक यू वेरी मच अर्जुन जी, तो आपने देखा होगा कि एक मिरर के साइड में बहुत सारी लाइट लगी हो. तो जनरली वहाँ पर मेकअप जितने भी लोग हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनका मेकअप वहाँ पर किया जाता है ना. तो एक उस पर मिरर पे चारों तरफ लाइट लगी, बल्ब भी बल्ब लगे होते हैं बड़े बड़े, कब किया जाता है तो उसकी जरूरत पड़ती है, इतनी सारी लाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है. ओके ओके यस. फिर उसके बाद क्या होता है, सलून विद लाइट्स एंड ऑल द एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर. हाफ अ डजन मतलब कम से कम 6-7 वहाँ पर मिरर्स थे, मतलब हाफ अ डजन, हाफ अ डजन मतलब 12 का आधा, तो 6 और 6 से ज़्यादा कम से कम वहाँ पर मिरर्स लगे हुए थे और उनके चारों तरफ लाइट लगी. देवर ऑल इन कैंडिसेंट लाइट्स, इनकैंडेंसेंट मतलब जिससे हाइट, जिससे हीट आती हो, है ना, जिससे हीट एमिटेट होती हो, मतलब जिससे हीट पड़ती हो, हीट आती हो, गर्माहट आती हो. तो सो यू कैन इमेजिन फियरी मिजरी ऑफ दो सब्जेक्टेड टू. अब आप खुद सोचिए कि जिनका वहाँ पर मेकअप किया जाता होगा, तो एक तो वो बेचारे मेकअप करा रहे हैं, पहले ही वहाँ पर वो उनके ऊपर मेकअप वगैरह इतना ज़्यादा उनके ऊपर किया जाता है, एंड उसके ऊपर से वो जो लाइट थी, कि जो गर्माहट थी वो उनके फेस पर होती थी, मतलब किस तरह से कि आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी ज़्यादा वहाँ पर गर्मी लगती होगी. एक तो वो लाइट की चौंध और उसकी हीट आपकी आंखों पर, आपके बॉडी पर पड़ना, आपके फेस पर पड़ना, ऊपर से वो मेकअप होना, तो ये एक उनके लिए मिजरी की तरह था, फायरी मिजरी, मतलब बिल्कुल ओ माय गॉड, इतना खतरनाक कमेंट अर्जुन जी, ओ माय गॉड. इसका इसका मीनिंग मैं क्या समझूँ, मतलब वेदर यू आर कॉम्प्लीमेंटिंग मी और समवेयर एल्स, समथिंग एल्स. ये देखो well, अब यहाँ पर यही बात बोली गई है कि एक तो उनका इतना ज्यादा मेकअप करते थे, ऊपर से वो हीट उनके ऊपर हर वक्त पड़ती रहती थी, तो उनके लिए एक तरह से फायरी, फायरी मतलब जो हीट वाली, और मिजरी मतलब उनके लिए बहुत ज्यादा एक तरह से परेशान होने वाली चीज थी. ये देखो वेल नेक्स्ट पे आ जाते हैं. द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाई अ बंगाली. अब जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो सबसे पहले एक बंगाली के द्वारा हेड किया जाता था, मतलब कौन लीड करता था, एक बंगाली लीड करता था, हु बिकेम टू बिग फॉर ए स्टूडियो एंड लेफ्ट. अब यहाँ पर टू बिग का मतलब क्या हो गया कि उसे ये लगने लगा शायद वो बहुत ही उसकी वैल्यू जो है बढ़ चुकी है, मतलब वो डिजर्व करता है ज़्यादा चीज़, तो इसलिए उसने क्या किया कि उस स्टूडियो को उसने लीव कर दिया, क्योंकि उसे लगता था, उसे ये लगता था कि शायद वो बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा अच्छा डिजर्व, और ज़्यादा सैलरी मिली चाहिए, उसने उसको स्टूडियो को डिजर्व सॉरी लीव कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि वो शायद बहुत बड़ा है, उसको इससे ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, या उसका ओहदा इतना ऊंचा हो चुका है कि वो इतने स्टूडियो के अब लायक नहीं है, तो इसलिए उसको ये चीज़ लगने लगी थी और उसने उसको लीव कर दिया, स्टूडियो को लीव कर दिया. ही वॉज सक्सीडेड बाई, सक्सीडेड बाई मतलब अब उसके बाद कौन आया, तो ये उसके बाद कौन आया, एक महाराष्ट्रियन, मतलब महाराष्ट्र में रहने वाला, है ना, जिसे हम मराठा भी बोलते हैं, हु वॉज असिस्टेड बाई, असिस्टेड मतलब जिस हेल्प की, जिसके असिस्टेंट कौन थे, धरवर कर्नाटका एंड आंध्रा. वो कहाँ से बिलोंग करता था, आंध्र प्रदेश, ये बंगाली बाबा हो गए, ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता था, ठीक है. और एक महाराष्ट्रियन आया, मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, और फिर आया एक मद्रास इंडियन क्रिश्चियन. एन एंग्लो बर्मीज, फिर एक बर्मीज आया, बर्मा का रहने वाला, जो म्यांमार से बिलोंग करता है, एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स, और उसके बाद फिर कुछ लोकल तमिल्स, मतलब ऐसे करके वो वेरियस बहुत सारे लोगों से, जैसे कभी महाराष्ट्र, कभी कुछ, कभी कोई, तो ऐसे करके उसके लीडर्स बदलते रहे, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ पर आते रहे. ऑल दिस शोज, और ये सब क्या दिखाता था, एक नेशनल इंटीग्रेशन को वहाँ पर दिखाता था, तो पूरे उसमें हर तरह के इंडिया से कोने कोने से लोग वहाँ पर आकर वर्क करने लगे. प्रमिला जी, अर्जुन जी और पीहू जी, समझ में आ रही है कहानी, अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है कहानी में. ऑल दिस शोज दैट देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर AIR, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन बिगैन ब्रॉडकास्ट. ये सब किससे पहले था, कि जो
ऑल इंडिया रेडियो जो चलता था, आपने देखा होगा कभी कभी आकाशवाणी जब आती थी तो एक रेडियो का जो शो होता था वो होता था प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, तो उसमें जो नेशनल इंटीग्रेशन पे आते थे तो ये उससे रिलेटेड सारे, और जो एक ही जो सेक्युलरिज्म है इंडिया में वो यहाँ पर आपको देखने के लिए इस स्टूडियो के थ्रू मिल जाता था, क्योंकि इस में हर धर्म का हर इंडिया के कोने कोने से आए हुए लोग यहाँ पर काम कर रहे थे। क्या बात है प्रमिला, दिस गैंग ऑफ नेशनैलिटी इंटीग्रेटेड मेकअप मैन कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन इनटू अ हिडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर। अब प्रमिला जी, पीहू जी और अर्जुन जी, आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है पार्लर में जाकर जो एक बिल्कुल सिंपल सोबर इंसान है तो हम मेकअप करके इतना ज़्यादा वो मॉडिफाई कर देते हैं, कभी कभी इतना ज़्यादा चेंज कर देते हैं कि वो अपने ओरिजिनल लुक से बिल्कुल डिफरेंट हो जाए। कोई कोई साधारण, मतलब कोई कोई नेचुरल ब्यूटी इतनी होती है वो कभी मेकअप की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, तो वो नेचुरली ही इतना खूबसूरत। और कभी कभी क्या होता है मेकअप करने के बाद इंसान लगने लगता, कभी कभी ऐसा भी होता है कि भैया अच्छे खासे इंसान को बर्बाद कर देना, मतलब बिगाड़ देना, मतलब उस पर इतना मेकअप थोप देना कि वो अच्छा खासा इंसान ही बेकार लगने लगता है, चुड़ैल टाइप, हॉरेबल टाइप लगने लगता है ना। अच्छा, कहानी सुंदर है, क्या अब यहाँ मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है? अब वो क्या करते थे कि यहाँ पर क्या होते थे, अब देखो बहुत ध्यान से सुन कि अब वो यहाँ पर क्या करते थे, वो इतना मेकअप उन पे थोप देते थे कि एक ह्यूज मॉन्स्टर, मतलब एक बिल्कुल सिंपल डिसेंट लुकिंग, जो बिल्कुल सिंपल सा सुपर सा ऐसे ही ज्यादा सुंदर लगता है, उस पर वो मेकअप करके उसे बिल्कुल ह्यूज मॉन्स्टर टाइप का बना देते थे कि ये क्या बना दिया, बिल्कुल एक चुड़ैल टाइप का इंसान बना दिया, मॉन्स्टर बना दिया, राक्षस जैसा बना दिया, विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक, मतलब पैनकेक जो ये ट्रक लोड्स आते थे ना, और भर भर के जो मेकअप का सामान आता था उसे वो लगा लगा कर उसको पूरा और ज़्यादा डर्टी या अगली बना देते थे, एंड अ नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशन। तो कम से कम यस, yes, तो यहाँ पर क्या होता है कि वो उन पर क्या करते थे, जो लोकल, मतलब एक तो पैनकेक जो ब्रांड था वो, और उसके अलावा लोकल पोशंस एंड लोशंस उनका भी यूज करके वो उनको क्या करते थे, मॉडिफाई, मतलब एक पर्सन जो है उसको मेकअप लगाकर कुछ और ही बना देते थे, तो आप ये कह सकते हैं कि और ज्यादा अगली बना देते। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इनडोर शूटिंग। पहले क्या होता था, ज्यादातर इनडोर शूटिंग, मतलब जैसे अंदर ही कुछ ना कुछ सेट सेट बनाकर या कुछ करके, तो इस तरह से शूटिंग चलती थी। अब आप इन्हें देख रहे हो ना कि मेकअप लगाकर, अब पता नहीं ये इंसान कैसा रहा होगा और मेकअप लगाकर इसका क्या ही कर, इस लड़की का क्या कर दिया, ऐसे ये लड़की देखो बिल्कुल सिंपल सी सुंदर सी अच्छी लगती है, इसकी आंखों को पता नहीं क्या बना दिया है ना। तो यहाँ पर क्या था कि थोड़ा सा एक अनप्लीजेंट सा मेकअप वो कर देते और ज्यादा अगली लगने लगती, एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वॉज शॉट आउट। तो पहले क्या होता था कि जो शूटिंग होती थी वो अंदर ही हुआ करती थी, मतलब इंडोर्स रहा करती थी, कि जैसे उन्होंने डिफरेंट व्यूज़ के लिए डिफरेंट कर्टेंस को लगा दिया या कुछ भी ऐसा सेट बना दिया कि वो कुछ अलग लगता था, और ऐसे उनकी शूटिंग हो जाती थी। और 5% ही ऐसा होता था जो आउटडोर शूट, मतलब जैसे कहीं पर किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर जाकर उसकी जाती थी, तो ऐसा बहुत कम होता। लेकिन आज के टाइम पर क्या होता है, आज के टाइम पर जैसे आपको कोई भी मूवी बनानी है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर प्लेस आप जाकर वहाँ पर तो आप रिकॉर्ड कर लेते हैं कहीं, तो आप कभी फॉरेन कंट्रीज में, कभी आपका जो इंडिया में ही कितने सारे प्लेसेस हैं, तो ऐसे वेरियस प्लेसेस पर जाकर शूटिंग हो जाती है। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज टू बी मेड टू लुक अगली। इवन जो वहाँ की लाइट्स होती थी तो वो क्या करते थे कि बॉयज और गर्ल्स होते थे उनको अगली, मतलब इस तरह का मेकअप करते थे कि जो अगली होता था, लेकिन वो लुक कैसा लगता था, प्रेजेंटेबल लगता था, उस अगली लुक से वो उनको प्रेजेंटेबल बनाते थे, मतलब उसी से वो मूवी को प्रेजेंटेबल बनाते थे। अ स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर एक हायरार्की को फॉलो किया जाता था, हायरार्की मतलब जैसे पहले बॉस हो गए, बॉस से नीचे कुछ और लोग आ गए, तो ऐसे जो जूनियर सबॉर्डिनेट्स को शो करता हुआ ये हायरार्की होता है, सिस्टम होता है, तो ऐसा मेकअप के लिए यूज़ किया जाता था। अब क्या हायरार्की फॉलो होती थी वो भी देख लेते हैं। क्या बात है अर्जुन जी, जो बात सादगी में है वो कहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात, आई लाइक इट। द चीफ मेकअप मैन, जो सबसे ज्यादा चीफ, मतलब जो सबसे सही जो मेकअप मैन होता था, जो चीफ होता था, वो चीफ एक्टर्स का, मतलब जो लीडिंग एक्टर्स के एक्ट्रेस होते थे उनको अगली करते थे, मतलब उनका मेकअप करते थे। फिर सीनियर असिस्टेंट, और जो उनके सीनियर असिस्टेंट होते थे, सीनियर असिस्टेंट मतलब जो जस्ट चीफ के बाद हों, असिस्टेंट मतलब जो उनकी हेल्पर्स हों। द सेकेंड हीरो एंड द हीरोइन, सेकेंड हीरो और हीरोइन, मतलब जैसे देखिए एक तरह से ये चीफ के बाद इनके
अंडर में एक पर्सन आ गए, इनके असिस्टेंट आ गए. ऐसे ही सबसे पहले ये मेन एक्टर आए है ना, और मेन एक्टर के भी उनके असिस्टेंट आ गए. तो ऐसे करके ये सबसे पहले ये चीफ होगा, फिर उसके असिस्टेंट होंगे, ये इनके एक्टर्स के, फिर सेकंड एक्टर्स के. इस तरह से वो लोग उनका मेकअप करते थे. तो जूनियर असिस्टेंट और जो छोटे हेल्पर्स होते थे जूनियर वाले, द मेन कॉमेडियन, वो एक तो कॉमेडियन का मेकअप करते थे एंड सो फोर्थ. और जितने भी जो साइड हीरोज हैं, सपोर्टिंग एक्टर, द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय. और जो पूरे, जैसे आपने देखा होगा ना, एक जगह पर पूरे क्राउड को दिखाया जाता था कि कहीं पर भीड़ दिखाई जा रही, कहीं पर कुछ, तो उनका मेकअप जो करता था वो कौन करता था, वहाँ पर ऑफिस बॉय हुआ करता था. तो वो उन लोगों का मेकअप करता था जो कि भीड़ भाड़ का हिस्सा होते थे, है ना, उनका मेकअप किया जाता था. अब भीड़ भाड़ का हिस्सा कौन होते थे और क्या कैसे करा जाता था. इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय. और जो जेमिनी स्टूडियो का जो डिपार्टमेंट था उसके पास भी एक ऑफिस बॉय. ऑन द डेज वेन देर वॉज अ क्राउड शूटिंग, जब क्राउड शूटिंग मतलब कभी भी अगर एक भीड़ को दिखाना होता था शूट में, यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट इन अ जाइंट वेसल. जैसे एक वो होता ना पेंट की बाल्टी में, वो क्या करता था कि बहुत सारा मेकअप घोल लेता था और सबको पोत देता था, ऐसे लीप देता था सबके ऊपर, क्राउड पे, मतलब पूरे क्राउड पे वो जल्दी से एक स्लैप इस तरह से सब पे एक ब्रश मार देता था. तो देखिए बिल्कुल जैसे मान लीजिए वो पेंट कर रहा हो वॉल को, इस तरह से वो सबके ऊपर मार. आइडिया वॉज क्लोज टू एवरी पोर ऑफ द सरफेस द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप. अब आइडिया क्या था उनके मेकअप करने का, पर्पज था कि भैया कोई भी होल, कोई भी छेद या कोई भी इस तरह से दाना वाना नहीं दिखना चाहिए, सब कुछ हाइड हो जाना चाहिए. तो वो उनपे इतनी लीप आपोती करते थे कि बिल्कुल फेस एकदम प्लेन दिखने लगता था, उस पर कोई भी किसी तरह का इस तरह का मार्क नहीं रह जाता था. नाउ ही वॉजंट एग्जैक्टली अ बॉय. अब देखो यहाँ पर इसको बोला क्या गया ऑफिस बॉय, लेकिन देखा जाए तो वो बॉय नहीं था, बल्कि ही वॉज इन अर्ली 40s, मतलब वो कम से कम 40 साल का था. जैसे 40 साल की अभी शुरुआत ही हुई है, तो इतना वो एज का था. YouTube की थीम चेंज हो गई है कैसे? और प्रमिला जी थीम की स्पेलिंग होगी THEME. Having entered the studios years ago in the hope of becoming, और वो स्टूडियो में बहुत साल पहले कभी आया था. किस होप में आया था? वो आया था कि वो बनेगा एक स्टार बन जाएगा, मतलब एक एक्टर बनेगा, एक स्टार एक्टर बन जाएगा, या फिर एक टॉप स्क्रीन राइटर बन जाएगा, या फिर एक डायरेक्टर तो कम से कम बन ही जाएगा, और वो भी ना बना तो कम से कम एक लिरिक. बट ही वॉज बिट अप पोएट, और उसके उसे थोड़ी बहुत कविताएँ भी कविताएं करनी भी आती थी, मतलब वो थोड़ा सा वो पोएट भी था, मतलब उसके अंदर कविताएं लिखने की भी कला थोड़ी. इन दोज डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिसल टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज. उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त पर एक छोटे से ऐसे कमरे में बैठकर काम किया करता था जिसके दोनों साइड पर इस तरह की फ्रेंच विंडोज थी. तो फ्रेंच विंडोज जैसे ऐसे करके एक ही उसमें जैसे दो वो स्लैब बने होते हैं, दो इस तरह से आप कह सकते हैं डोर बने होते हैं जो ओपन एंड शट हो जाते हैं. तो इस तरह का जो This is called French somewhere. इस तरह की वहाँ पर विंडो हुआ करती थी. I didn't know at that time they were called French. उस वक्त पर मुझे ये नहीं पता था कि इनको French windows बोला जाता है. Think me sitting at my desk, tearing up newspapers day in day out. अब देखो ये जो writer हैं अशोक मित्रन, ये कह रहे हैं कि उस वक्त पर मैं उसी स्टूडियो में एक छोटे से काम किया करता था, और मेरा काम क्या था, पूरे दिन अखबार में से ऐसे कटिंग निकालना, कहीं पर पेस्ट करना, फिर कटिंग निकालना, उसे फाड़ना. तो लोगों को लगता था कि इसके पास तो कुछ काम ही नहीं है, जबकि उन्हें लगता था कि वो शायद बहुत ज़्यादा काम था. तो वो पूरे दिन उनका यही काम था, अखबार में से कटिंग छुटा के इधर लगा दो, कटिंग छुटा कर उधर लगा दो. अब ये सबको लगता था कि इस ये कोई काम नहीं है. यस, है ना, टीयरिंग. मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, मतलब सब ज़्यादातर लोगों को लगता था कि वो नेक्स्ट टू नथिंग, मतलब वो कुछ नहीं करते, वो ऐसे ही फालतू बैठे. इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू. और ये बड़ा अजीब था कि जो बॉस थे उनको भी ये लगता था कि ये इस इंसान के पास कुछ काम ही नहीं है. सो एनी वन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इन टू माई क्यूबिसल. तो किसी को अगर ऐसा लगता था ना कि भाई ये इंसान फालतू बैठा है, खाली बैठा है, तो इसको कोई काम दे दो, तो वो जल्दी से बार्ज इन टू मतलब अचानक से किसी के भी कमरे में आ जाना, है ना, किसी के भी कमरे में आ जाना, और वो उसके क्यूबिसल उसके रूम में आ जाते थे एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर. और पहले तो उसको खूब उल्टे से लेक्चर सुना देते थे, बड़ा लंबा चौड़ा उसे लेक्चर, और फिर उसको वो इस तरह से वर्क दे जाते थे. ये देखिए पूरा फाइल, पूरा इसे वर्क उठाकर उसको दे दिया कि लो तुम करो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई काम ऑलरेडी है. बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट, जो ऑफिस बॉय था मेकअप डिपार्टमेंट, हैड डिसाइडेड आई शुड बी एनलाइटेंड ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वॉज बींग अलाउड टू गो वेस्ट इन डिपार्टमेंट फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड परवर्ड्स. तो
बार्बर्स को आप जानते ही क्या होते हैं, परवर्ड्स कहते हैं जो सेक्सुअली असॉल्ट के लिए जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो आप ये देखते हैं कि ये सारे के सारे लोग क्या करते थे, वो जो ऑफिस बॉय था उसे ये लगता था कि कुछ लोगों की वजह से मैं इतना बड़ा एक्टर नहीं क्या बन जाता, और यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ ये उन लोगों के लिए, यहाँ पर टैलेंट की जो टैलेंट है उसको नहीं देखता कोई, ऐसे ही सब यस। तो टैलेंट की कोई कदर नहीं है, वो ऐसा कहता। सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग। तो अब देखो यहाँ पर ये जो आदमी है, मतलब जो आपका ये अशोक मित्रन जो कौन है आपके जो नरेटर है स्टोरी, और ये वो जो ऑफिस बॉय, तो ये इनको क्या, ये ऑफिस बॉय है सॉरी, और ये नरेटर है, तो इनको क्या लगता था, ये प्रे करते थे कि हे भगवान आज क्राउड शूटिंग, क्यों क्राउड शूटिंग होगी, तो ये अपनी पोएम्स अपनी फालतू की कहानियां मुझको नहीं सुनाएगा जो कि मैं नहीं सुनना चाहता, और ये जाकर बिजी हो जाएगा उनका मेकअप, तो एटलीस्ट मेरा पीछा छूटता, वरना वो आकर मुझसे बातें करता रहता, तो मुझे नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स। लगता था उन्हें ये लगता था कि तो एपिक सेंस की कहानियों से मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मज़ा नहीं आता, तो मुझे अच्छी नहीं लगती, वो तो बेटर है कि अपने ही काम में बिजी। इन ऑल इंस्टेंसेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टू सिंगल पर्सन ओपनली और कोवर्टली, एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वाज कन्विंस्ड दैट ऑल हिज वोज इग्नोमिनी इग्नोमिनी कहते हैं ह्यूमिलिएशन को एंड नेग्लेक्ट वर ड्यू टू कोठा मंगलम सुब। अब ये है कोठा मंगलम सुब, ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं इनका नाम है कोठा मंगलम सुब्बू। हेलो अर्चना जी, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि इस इंस्टेंसेस में, अब यहाँ पर पूरी की जो पूरी फ्रस्ट्रेशन होती है उस आदमी की, वो किसकी वजह से होती है, वो एक आदमी की वजह से, और वो उसे कौन लगता था, वो उसे लगता था कोठा मंगलम सुब्बू, ये लगता था कि इस इंसान की वजह से जो मेरी मेरा करियर है वो पूरी तरह से नहीं बन पाया, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं उसको रोक दिया। अब ऐसा क्यों, देखो ये कोठा मंगलम सुब्बू अब कौन थे, उनको आप देख सकते हैं जेमिनी स्टूडियो के लिए बहुत बड़ा नाम थे, और ये सुब्बू वॉज नंबर टू एट जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो ये जो देख रहे हैं आप, ये जेमिनी स्टूडियो का फोटो जो कि आपका चेन्नई में है, मद्रास में, मद्रास और चेन्नई का पहले नाम, नंबर टू जेमिनी स्टूडियो। ही कुडंट हैव हैड अ मोर एनकरेजिंग देन आर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड। अब देखो ये जो सुब्बू हैं, इनका डायरेक्टर के बाद जो सेकेंड नेम था वो इन, सब सेकेंड नंबर इन, तो उन्हें ये लगता था कि इस इंसान की वजह से शायद ग्रोथ रुक गई और ये ऑफिस बॉय। तो ये थे ओपनिंग इन फिल्म्स देन आर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड। इनकी वहाँ पर ओपनिंग होती थी, मतलब ये इसमें काम करते थे, वर्क करते थे, है ना। ऑन द कॉन्ट्ररी ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम्स, फॉर व्हेन ही बिगैन हिज करियर देयर वर नो फिल्म एस्टैब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज फॉर स्टूडियो। जब सुब्बू जी की स्टार्टिंग हुई थी फिल्मी करियर की, तो उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, बहुत सारी फिल्म प्रोड्यूस थी, तो इनको आइडियाज़ कहाँ से मिलते, तो बहुत सारे डिफिकल्ट सिचुएशंस का सामना भी किया। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, सुब्बू कुडंट हैव हैड एन अप्रिशिएबल लीड ओवर अ बॉय। उन्होंने ये भी माना कि ये जो शुब्बू हैं ये स्टडी में जो उस ऑफिस बॉय से ज़्यादा नहीं थे, मतलब उनकी एजुकेशन ऑफिस बॉय से शायद कम ही होगी, बट बाय वर्च्यू, लेकिन क्योंकि उनका लक था उनके वर्च्यू की वजह से, बींग बॉर्न अ ब्राह्मण ऑफ वर्च्यू, तो ब्राह्मण क्योंकि वो एक ब्राह्मण थे, है ना, जो शुब्बू हैं वो क्या थे, एक ब्राह्मण थे, तो इसकी वजह से वो शायद उस ऑफिस बॉय से आगे निकल गए, और ऑफिस बॉय वहीं का वहीं रहे। मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशन पीपल। ही हैड द एबिलिटी, अब सुब्बू के बारे में उन्होंने और क्या बताया, हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल, ये हमेशा चीयरफुल मतलब हमेशा एट ऑल टाइम्स, इवन आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड इन अ फ्लॉप फिल्म, चाहे भले इनकी फिल्म फ्लॉप भी हो जाए, लेकिन ये हमेशा खुश रहते थे, मुस्कुराते रहते। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, और उनके पास हमेशा काम होता था। ही कुड नेवर डू ऑन हिज, हर एक काम किसी और को दे देते थे, कोई भी काम, या वो जो खुद से नहीं कर सकते थे वो किसी और को दे देते। लेकिन उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था, मतलब एक लॉयल्टी थी उनके, है ना, और
कहीं ना कहीं अपने वर्क के लिए बहुत ज्यादा लॉयल थे, अपने ऑफिस के लिए बहुत ज्यादा लॉयल थे, तो इसलिए उनकी एक अलग ही पहचान इनको दिलाता था, लॉयल्टी थी वो उनको एक अलग पहचान दिलाती थी। प्रिंसिपल कम्प्लीटली इन टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी, इनकी एक पूरी क्रिएटिविटी इस तरह से कि वो अपने जो मतलब जो प्रिंसिपल हैं, जो मास्टर हैं, उनको ये एडवांटेज, उनको फ़ायदा दे सके। मतलब इनका पूरा वर्क ऐसा था जिससे इनके बॉस को फ़ायदा मिलता। तो भैया बॉस हमेशा उस काम की तारीफ करता है जिसको फ़ायदा मिले, तो उस इंसान को वो कहाँ से दूर जाने देगा। खास भी हो कि वो टेलर मेड फॉर हिज फिल्म, तब वो उनकी फिल्म के लिए टेलर मेड, मतलब एक तरह से ऐसा व्यक्ति कोई भी सॉल्यूशन उनके लिए वो दे सकता है। अब क्या सॉल्यूशन देता था देखते हैं, ये भी उसका जिक्र किया गया। हियर वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड, वो इंस्पायर्ड होते थे जब उनको ऑर्डर दिया जाता था, तो वो और ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाते। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने बताई कि द रैट फाइट्स द टाइग्रेस। अब बड़ी अच्छी स्टोरी है, सुनना बड़ा मज़ा आएगा। एक रैट है ना, और एक है भैया टाइग्रेस, है ना। अब ये जो रैट है अंडर वाटर एंड किल्स हर बट टेक्स पिटी ऑन द कब्स। यहाँ पर स्टोरी देखिए कितनी बढ़िया है कि ये जो टेरी है ना, जो रेड है, ये टाइग्रेस को मार देता है, वो भी कहाँ पर, पानी के अंदर। खैर अब मार देता है, फिर इस चूहे को दया आती है, इसके बच्चे कब्ज होते हैं, टाइग्रेस के बच्चे कौन होते हैं, कब्ज होते हैं। तो इन्हें बड़ी दया आती है उस पे, कब्ज पे दया आती है, किसको, रेड को। अब ये तो बना दिया नरेटर ने, है ना, ये तो एक स्टोरी बना दी डायरेक्टर ने। अब ये स्टोरी का कोई कंक्लूजन नहीं मिल पा रहा, तो उसका जो सॉल्यूशन देता था वो सुब्बू देता था, होता था कि आगे की स्टोरी किस तरह से बननी चाहिए। नाउ कब्स इंटेंड्स देम लविंगली, आई डोंट नो हाउ टू डू दिस। अब डायरेक्टर क्या कहता है कि ये तो समझ आ गया कि वो कब्स की करेगा, लेकिन किस तरह से करेगा, इस तरह इसको इवेंट किस तरह से बनाऊं, तो वो मुझे नहीं समझ। तो अब उसके लिए प्रोड्यूसर वुड से एंड सुब्बू, प्रोड्यूसर जो भी कहता था, कमांड करता था, सुब्बू हमेशा रेडी होता था कम से कम 4 वेज, 4 तरीके वो बता देता था कि हम इस तरह से दिखा सकते। अ फ्रेट पोरिंग अफेक्शन टू हिम ऑफस्प्रिंग गुड बट आई एम नॉट श्योर इफ इट इज इफेक्टिव इनफ। अब इस पे जो उनके मालिक होते थे, जो डायरेक्टर होते थे, वो ये कहते थे लेकिन ये बात आपने सही कही, अच्छा लग रहा है लेकिन इतना भी इफेक्टिव नहीं, शायद कुछ और इससे अच्छा हो। अब इस पे प्रोड्यूसर वुड से इन अ मिनट सुब्बू वुड कम आउट ऑफ अ आउट विद 14 मोर। अब वो ये बात बोल ही रहे होते थे कि ये कम से कम 14 सॉल्यूशंस और उनको दे दिया करते थे। अब इनके पास सॉल्यूशंस का खजाना होता था कि ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, तो कम से कम उनको 14 ऑल्टरनेटिव्स, 14 ऑप्शंस वो और दे दिया। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन वाज सो इजी विद द मैन लाइक, फिल्म मेकिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती थी एक ऐसे आदमी के साथ जिसका नाम है सुब्बू। सुब्बू जो थे वो इस फिल्म को बहुत ईजी तरीके से बनवा देते थे, मतलब जो भी प्रॉब्लम होती थी डायरेक्शन में वो सब कुछ सिंपल लगने लगे, है ना। तो इसलिए डायरेक्टर इनसे बहुत ज़्यादा खुश रहा। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वॉज सो ईजी विद मैन लाइक हू अराउंड, एंड इफ एवर देर वॉज अ मैन हु गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियोज ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर। अगर किसी ने एक पहचान दिलाई जेमिनी स्टूडियो को, अगर किसी ने ये सारी चीज़ें बताई, तो वो और कोई नहीं, वो कौन था, सुब्बू थे, ठीक है। अब क्या होता है, सुब्बू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी, सुब्बू की अपनी एक अलग पहचान, एज अ पोइट, वो एक पोइट की तरह, एंड दो ही वॉज सर्टेनली केपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हाई फॉर्म्स, ही डेलिबरेटली चोज टू एड्रेस हिज पोएट्री टू द मास। वो क्या करते थे कि उनको पोएम्स, वो पोएम्स भी सुनते थे, पोएम्स भी लिखते थे, और इसकी अलग पहचान थी, वो एक कवि के रूप में तो अलग से पहचान, और ये बहुत ज़्यादा हायर फॉर्म्स, मतलब उससे भी ज़्यादा ऊँची फॉर्म थे, डिलिब्रेटली टू एड्रेसेस, मतलब ये चाहते थे कि मेरी जो ऑडियंस है उनको वो पोएट्री। हिज सक्सेस इन फिल्म्स ओवरशैडोड द ड्वार्फ्ड हिज लिटरेरी अचीवमेंट और सो हिज क्रिटिक्स, तो उनके क्रिटिक्स को भी ऐसा लगता था। Composed several truly original story, तो उन्होंने truly original story और poem को create किया, compose किया, in folk refrain and diction, and also wrote a sprawling novel thriller, Mohan Nambal, ये एक novel इन्होंने, खिलाना, Mohan Nambal, with dozens of very different edged characters, जिसमें बहुत सारे characters, 12 से ज़्यादा directors actors, he quite successfully created them
of the devdasis of early 20th century. और इन्होंने ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी थी. ये आप क्या पूछना चाह रहे हैं? यस बिल्कुल, सत्य घटना पर आधारित बिल्कुल. उसके बाद रोहित जी पूछ रहे हैं, मैम मैंने फॉर्म फिल तीन कर दिए, तीन फॉर्म फिल कर दिए, ये सारे फैब और मार्च में नेट जेआरएफ और डीएसएसबी और केवीएस. नहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सारे एग्जाम एक दिन हो जाएं, क्योंकि ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट डीएसएसबी और जो पर्टिकुलर जितने भी टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं जो अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है. ऐसा रेयरली होता है कि आपका एग्जाम एक ही दिन फंस जाए. जनरली ऐसा नहीं होगा कि टीचिंग डिपार्टमेंट के एग्जाम है तो डिफरेंट पर ही हो. एक दिन में तो शायद नहीं होंगे, वैसे नहीं होंगे, क्योंकि और भी जैसे मान लीजिए किसी ने डीएसएसबी फिल किया हुआ है, इसको फिल केवीएस फिल किया हुआ है, किसी ने एचजीआरएफ, तो ये वहाँ पर डिपार्टमेंट भी ध्यान रखते हैं कि सब एग्जाम एक साथ ना रखे जाएँ ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो. ऐसे और भी स्टूडेंट्स होते हैं जो फॉर्म कर लेते हैं. क्यों भाई इतनी ठंड लग रही है अर्जुन जी, कमेंट्स टाइप नहीं हो रहे? ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर. जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये सुब्बू हैं जो एक्टिंग कर रहे हैं, वो एक अमेजिंग एक्टर थे. ही नेवर एस्पायर्ड टू द लीड रोल. एस्पायर्ड मतलब उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि उनको क्या मिल जाए, लीड रोल मिल जाए. उन्होंने कभी चाहत नहीं की लीड, तब वो ये नहीं चाहते थे कि उनको मेन रोल, बट वट एवर सब्सिडरी रोल. सब्सिडरी मतलब एक छोटा सा रोल, मतलब जैसे एक छोटे से रोल अगर उनको दे दिए जाते थे, या एक्टर के नहीं बट छोटा सा जो उनको एक सपोज सपोर्टिंग एक्टर इस तरह का रोल दिया जाता था, तो उसको करते थे. और बहुत ज़्यादा एनी ऑफ द फिल्म्स ही परफॉर्म बेटर देन द सपोज मेन, जो मेन प्लेयर माने जाते थे. मेन प्लेयर्स मतलब जो मेन एक्टर्स माने जाते थे, जो लीडिंग एक्टर्स माने, ये इनकी इतनी अच्छी एक्टिंग थी कि उससे भी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करते थे, और कहीं ना कहीं इनकी जो परफॉर्मेंस मानी जाती. यस क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है? टेक्निकल इशू होगा मे बी. अच्छा यूट्यूब ट्रबल है. यस चलिए ही हैड. अच्छा एक बात याद रखिएगा, कल फिर से सुबह 9 बजे सीएचएसएल की मैराथन रहेगी, उस पर प्रेजेंट रहिएगा. अर्जुन जी कोशिश कीजिएगा कि आप सुबह जल्दी आएं, क्योंकि आप लेट हो जाते हैं 9 बजे, तो इसलिए गड़बड़ हो जाती है. ठीक है. AIC का फॉर्म निकल गया है आज, इसलिए सोच रहा हूँ कि फिल्म देखो. कोई भी फॉर्म जिस दिन आप फिल्म करो, कम से कम एक या दो दिन जो भी आपके साथ इश्यूज होते हैं या कुछ भी होता है, तो वो लगभग एक या दो दिन में अगर आप देखते हैं तो जो चैनल्स होते हैं आपको अपलोड कर देते हैं. ये हो जाता है उन चीज़ों को पहचानना कि किस. यस ओके ओके. देखो कोई भी पर्टिकुलर एक डेट नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली वो आगे पीछे हो जाते हैं. और क्योंकि जब तक कोई नोटिफिकेशन ना आ जाए तो ये कहना मुश्किल है कि एग्ज़ाम कब होगा. यस एक्सपेक्टेड वही है, लेकिन ऐसा नहीं है. बहुत सारे एग्जाम जैसे कभी कभी जो एक पर्टिकुलर एक ही फील्ड के होते हैं एग्जाम, वो कभी नहीं फंसते, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के एक साथ. ही हैड अ जेन्युइन लव फॉर एनीवन ही केम अक्रॉस एंड हिज हाउस वाज अ परमानेंट रेजिडेंस फॉर डजंस ऑफ नियर एंड फार रिलेशन ऑफ एक्वेंटेंस. इस इंसान का जो सुब्बू जी थे, इनका दिल इतना बड़ा था कि इनका जो घर था वो हमेशा मतलब उनके लिए हर उस इंसान के लिए स्वागत होता था उसका, कि जो चाहे उनके बहुत करीबी थे या दूर के रिश्तेदारी जितनी भी थी या जो इनके जान पहचान के लोग थे, वो हमेशा इनके लिए एक परमानेंट रेजिडेंस बना रहे, बुला लिया करते थे, उनको रखा करते थे, उनकी देखभाल किया करते थे. तो उनको बिल्कुल एक मेहमानों की तरह बिल्कुल अपना घर समझ कर वो लोग रह करते थे. ठीक है. और बहुत ही जेन्युइन लव, मतलब सबके लिए उनके मन इज्जत थी, सबके लिए बहुत ज़्यादा प्यार था. इट सीम्ड अगेंस्ट सुब्बूज नेचर टू बी इवन कॉन्शियस दैट ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मैनी ऑफ. ये बहुत ही सुब्बू के नेचर से बिल्कुल अगेंस्ट लगता था, जबकि वो क्या करते थे, वो फीड करते थे. फीड मतलब वो लोगों को सपोर्ट करते थे, उनका ध्यान रखते थे, उनको शरण देते थे, जैसे उनको वो खाने पीने. तो आपने देखा होगा जैसे अगर आप किसी पर रहना
और मान लीजिए कोई रिश्तेदार जाते हैं अपने, जो बिल्कुल अपने सगे रिश्तेदार होते हैं, वो भी हमारे साथ, तो ये सब चीज़ें देखते हैं। जो वहाँ पर जो लोग थे वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते, सच ए चैरिटेबल एंड इम्पोर, यस सच ए चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन एंड येट ही हैड एनिमी। अब देखो यहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर लोगों को लगता था कि जो इतना चैरिटेबल और इतना जेन्युइन इंसान है, क्या उसका भी कोई दिक्कत, इसके बावजूद लोग क्या समझते थे कि ये अपने बॉस को फ्लैटर करते हैं, साइकोफेंट है, मतलब जो किसी की फ्लैटरी करते हैं ना, किसी की बटरिंग करते हैं, तो इसलिए शायद ये इतने खास हैं। जबकि ऐसा नहीं था, ये लोगों को, लोगों का ध्यान रखते थे, उसको तो शरण देते थे, क्योंकि इनको लगता था कि जो ज़रूरतमंद है उस ज़रूरतें पूरी करनी जरूर करनी ज़रूरी है, इनको हेल्प करना अच्छा लगता था। जबकि सबको ऐसा लगता था कि यार इंसान है और ये ऐसा दिखावे के लिए, ऐसा नहीं, ही सीम्स सो क्लोज एंड इन द बॉस, तो सबको ऐसा लगता था कि बॉस से बहुत ज़्यादा करते हैं और उनको लुभाने की कोशिश करते रहते हैं, बटरिंग करते रहते हैं, देख सकते हैं इसमें, है ना। यस, और वाज इट जनरल ड्रीमर डिमिनियर दैट रिजेंबल्ड अ साइकोफेंट, है ना। तो जनरल डिमिनियर मतलब जो साइकोफेंट, साइकोफेंट कौन होता है, जो बटरिंग करता है, या ये उससे रिजेंबल करता है। और इज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, क्योंकि वो क्या करते थे, ज्यादातर लोगों के लिए अच्छा बोलना, बिल्कुल साफ लैंग्वेज करना, बिल्कुल मतलब सबकी तारीफें करना, इस तरह की लैंग्वेज, तो सबको लगता था ये शायद बटरिंग ज्यादा करते हैं, बाकी ये इस तरह के हैं नहीं, मतलब जितना ये दिखाते हैं इतने अच्छे इंसान ये है नहीं, बट अच्छा ही दिखाते जाना है। इन एनी केस देयर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट वुड विश द डियरेस्ट थिंग्स फॉर सुब, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो उनके लिए थी डियरेस्ट थी, मतलब सबके लिए बहुत ज़्यादा पसंदीदा थे। यू सॉ सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस, अब वो क्या थे, हमेशा ज़्यादातर बॉस के साथ रहते थे, बट इन द अटेंडेंस रोल्स ही वॉज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट कॉल्ड स्टोरी डिपार्टमेंट कंप्राइजिंग अ लॉयर एंड असेंबली राइटर्स। तो जो आपका अटेंडेंस रजिस्टर होता था उनका, उसमें एक डिपार्टमेंट था स्टोरी डिपार्टमेंट, जिसमें कौन कौन मेंबर्स थे, कंप्राइजिंग मतलब कंटेनिंग, तो कौन कौन थे, लॉयर थे, असेंबली ऑफ राइटर्स मतलब ग्रुप ऑफ राइटर्स थे, है ना। तो आप ये जैसे देख सकते हैं कि ग्रुप ऑफ राइटर्स, राइटर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, पोइट्स हो गए, तो इस तरह के जो लोग थे वो उसमें आते थे, और अटेंडेंस रोल में उनका नाम वहीं पर लिखा हुआ था। जबकि ज़्यादातर जो सुब्बू जी थे वो किसके साथ रहते थे, बॉस के साथ रहते थे, इससे सबको लगता था कि ये शायद उनको फ्लैटर करते हैं, उनको जैसे आप कहते हैं कि किसी की जैसे आप कह सकते हैं कि किसको बटरिंग करना, ये बटर लगाते थे, मक्खन लगाते थे। यस ओके, और अर्जुन जी की एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, नहीं 21 फरवरी से 10 मार्च नहीं होगा, ऐसा कोई क्लैश नहीं होता, बाकी अभी थोड़ा सा रुक जाइए, फिर इस चीज़ का आपको इवेंट ज़रूर मिल जाएगा, ताकि आपको वहाँ पर पता लग जाएगा कि क्या कर सकते। द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली एज द लीगल एडवाइज, जो लॉयर था, अब देखो लॉयर के साथ भी एक बड़ी दुविधा थी, वो क्या कि जो ऑफिशियली अगर हम देखें तो लॉयर की डेफिनेशन क्या होती है, कि लॉयर को क्या बोला जाता है, कि लीगल एडवाइजर, तो लीगल एडवाइस देगा, मतलब सही एडवाइस देगा क्या करना, बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज द ऑपोजिट, लेकिन हर इंसान ने कहा कि ये लॉयर लॉयर जैसा है नहीं, मतलब है तो ये लॉयर, नाम का लॉयर है, जो इसके कर्म है वो बिल्कुल भी लॉयर वाले नहीं है, मतलब वो बिल्कुल ऑपोजिट है, मतलब जैसे लॉयर का काम होता है जस्टिस करना, और ये बिल्कुल उसके विरुद्ध काम करता है, इनजस्टिस। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस हु वाज सो आल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल वंस ब्लू ओवर द ओवर ऑन द सेट्स व्हाइल एवरीवन स्टूड स्टंट द लॉयर क्वाइटली स्विच ऑन द रिकॉर्डिंग, जब सारे के सारे बिल्कुल चुप खड़े थे, स्टंट थे, तो इसने क्या करा, जल्दी से रिकॉर्डिंग को चला दिया। When the actress paused for breath, जैसे एक्ट्रेस रुकी ब्रीथ लेने के लिए, सांस लेने के लिए, the lawyer said to 1 minute please and played back the recording. और उन्होंने उसको रोका और वो जो रिकॉर्डिंग है वो फिर से चला दी। There was nothing in or unmentionably foul about the actress tirade against her, but when she heard her voice again through the sound equipment from dump, देखो ऐसा माना जाता है कि एक एक्ट्रेस कभी किसी से लड़ रही थी या शायद में कुछ, तो इसने उसको रिकॉर्ड कर लिया और बाद में उसको, जिसकी वजह से उस एक्ट्रेस का जो करियर था वो बिल्कुल खत्म हो गया, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, कंट्री हम बोलते हैं, ये गर्ल कहाँ से बिलोंग करती थी, एक विलेज,
हैडंट गॉन थ्रू द ऑल द स्टेज वर्ल्डली एक्सपीरियंस. वो कभी किसी स्टेज से वो कभी गई ही नहीं थी, मतलब वो कभी किस स्टेजेस पर ज़्यादा उसने शो नहीं किया, कुछ नहीं किया. फिर भी दैट जनरली प्रिसीड अ पोजीशन इम्पोर्टेंस, लेकिन फिर भी वो रातों रात जैसे आपके स्टार बन जाना और उसको एक इम्पोर्टेंट सोफिस्टिक, मतलब जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एक सही हो, टैलेंटेड हो, मतलब एक्यूरेट हो, मतलब जो किसी वर्क में लगा हुआ समझदार व्यक्ति, गंभीर हो, ये बिल्कुल बन गई. एंड शी हैड फाउंड हर्सेल्फ कैटापल्टेड इनटू, शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर शी, और जो डर उस दिन उसको लगा उसके बाद से उसको डर नहीं लगा. दैट वॉज द एंड ऑफ अ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग, ब्रिलियंट एक्टिंग करियर जा रहा था, लेकिन इस लॉयर की वजह से करियर खत्म, है ना, क्योंकि उन्होंने उसको वो जो उसने रिकॉर्डिंग की थी शायद उसे दिखाकर उसको ब्लैकमेल किया हो या कुछ भी, है ना. एंड हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट द सेड व्हाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म. तो जितने भी स्टूडियोज में और मेंबर हुआ करते थे वो एक यूनिफॉर्म पहना करते थे, उनकी होती थी खादी धोती स्लाइटली ओवर साइज क्लम्सीली वाइट खादी, तो वो एक कुर्ती पहनते थे और सॉरी एक खादी धोती पहनते थे और वो इस तरह से जो कि स्लाइडली ओवर साइज, मतलब जैसे एक होता है ना कि किसी की शर्ट बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी दिखती हो, ओवर साइज क्लम्सीली टेलर्ड, मतलब बिल्कुल वो सिली हुई नहीं थी, और इस तरह की वो शर्ट पहना कर धोती कुर्ता टाइप वो पहना था. द लीगल एडवाइजर वोर पैंट्स एंड अ टाई, जबकि बाकी लोग इस तरह के कपड़े पहनते थे, जबकि वो जो लॉयर था वो क्या पहनता था, एक पैंट और टाई वगैरह वो पहनता, पैंट शर्ट. And sometimes a coat that looked like a coat of mail. कभी कभी ऐसा कोट पहने लगता था वो मेल का कोट. Yes, तो अभी तक हमने पार्ट वन में ये स्टोरी कवर किया, इसके बाद की हम स्टोरी करेंगे नेक्स्ट क्लास. आई होप आपको अभी तक की स्टोरी समझ आई होगी, अच्छी लगी. अच्छा, कमल किशोर जी का मैसेज आया है. Yes, तो अब जल्दी से मुझे बताओ सारे के सारे बच्चे कि आपको ये स्टोरी आई यहाँ तक. तो अभी तक हमने उस लॉयर के बारे में समझा, उस शुभू जी के बारे में समझा, तो ये सारी स्टोरी तक समझी है. तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसे हम कल शाम को 5 बजे ओनली ऑन टीजी रिजल्ट. तो आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी. कल हम इस स्टोरी को आगे कवर करेंगे और साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद.